नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। 25 अगस्त सरकारी अस्पताल प्रशासन को सऊदी स्वास्थ्य विशेषज्ञता आयोग से 3 अतिरिक्त चिकित्सा विशेषज्ञता कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे मान्यता प्राप्त कार्यक्रमों की कुल संख्या 16 हो गई है। यह उपलब्धि प्रशासन की स्थिति को रेखांकित करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाएं हैं। मनामा 25 अगस्त लेबर फंड के नियामक प्रक्रिया के प्रादर्शनिक को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में एक विल्स व्योम के नीति के मंजूरी दिए है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्यगत निरीक्षणों के उच्चतम मानकों को लागू करना और बनाए रखना, साथ ही मजबूत करना है। तमकीन और सामुदायिक की सभी सदस्यों के बीच सहयोग, जिसमें प्रशासन सहायकता और कार्यक्रमों के लाभार्थियों और गैर लाभार्थियों दोनों शामिल है। बाहरीन 17-19 सितंबर तक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ डिजिटल कौशल फोरम की मेजबानी करेगा। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इस मंच की मेजबानी करेगा, जो सतत विकास को आगे बढ़ाने में डिजिटल कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नीतियों, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञताओं और प्रशिक्षणिक चिकित्साओं को एक साथ लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के एक अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या को लेकर लोगों में भरी आक्रोशता के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है, चाहे अपराधी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery. Fresh meat and fish. Fruits and vegetables. Sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी के रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के बाद चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक के अंदर किए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है।
एनडीए के तहत या अकेले हम लोग जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का हम लोग हिस्सा है, झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने इशारा दिया कि वह अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। एससी एसटी आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। सबके साथ सबका विकास को लेकर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। युवराज सिंह के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी निकलकर सामने आई है कि मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो जल्द ही वह एक नए अंदाज में देश की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल में नजर आने वाले हैं। आज से करीब 5 साल पूर्व आईपीएल में अपना आखिरी मुकाबला खेलने वाले युवराज सिंह इस बार बतौर कोच लीग में एंट्री करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर से संपर्क किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो वह आगामी सीजन में सौरव गांगुली के साथ काम करते नजर आएंगे। 25 अगस्त मौसम विज्ञान निदेशालय ने गर्म और आर्द्र मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से पूर्वी दिशा से 5 से 10 नोट, दिन में कभी कभी 12 से 17 नोट तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट अंदर और 2 से 4 फीट अपतटीय। तापमान अधिकतम 42 सेल्सियस, न्यूनतम 33 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 40%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभरात्रि, सब्बा खैर।